नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। दिल्ली में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। ये लॉकडाउन अब कोरोना महामारी के कारण नहीं, बल्कि ये लॉकडाउन बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लग सकता है। जी हाँ, इन दिनों दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि ये गंभीर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि आखिर इस वायु प्रदूषण के उपाय के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है। इसी के साथ चीफ जस्टिस NV रमना ने केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि वायु प्रदूषण एक गंभीर स्थिति है, हमें घर पर भी मास्क पहनने पड़ सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने का उपाय निकालने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इस वायु प्रदूषण के मुद्दे को अन्य सभी राजनीतिक मुद्दे से परे होकर समझना चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसीलिए इस बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए 2 से 3 दिन के अंदर कोई भी एक सटीक उपाय केंद्र सरकार निकाले। इसी के साथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया है कि वे पराली का जलना रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं और सरकार ने कहा है कि पिछले 5 से 6 दिनों में हमने जो प्रदूषण देखा है वो पंजाब में पराली जलने की वजह से है। राज्य सरकार को अपने काम में तेजी लाने की ज़रूरत है। पराली खेतों में अब भी जलाई जा रही है। इस पर चीफ जस्टिस रमना ने सरकार से डायरेक्टली पूछा और उनकी फटकार लगाई कि आप क्यों ऐसा जताना चाहते हैं कि ये सिर्फ पराली जलने से ही प्रदूषण हो रहा है, उससे सिर्फ कुछ प्रतिशत ही प्रदूषण फैल रहा है, बाकी सब क्या है। सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ किसान ही इस प्रदूषण के लिए जिम्मेवार हैं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर किसानों को इंसेंटिव नहीं मिला तो बदलाव आने की गुंजाइश कम है, किसी चीज़ पर ऐसे ही अमल नहीं किया जा सकता है। तुषार मेहता ने कहा कि हम धूल को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, इसमें राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, या एक मिली जुली जिम्मेदारी है। और मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार भी इस मामले में एफिडेविट फाइल जो है वो सोमवार तक जमा करे। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि जिस तरीके से दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण बढ़ है, ये एक गंभीर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार के सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा जा रहा है कि अगर यही स्थिति रहे तो घर में रहे लोगों को भी मास्क लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आज सुनवाई की और केंद्र सरकार से कहा है कि इस बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोई जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर उपाय निकाले। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR। धन्यवाद।